इस वीडियो में हम लोग सक्सेस ऑफ वर्नर थ्योरी देखेंगे। तो इसमें क्या था कि इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड एमीन लिया था और कोबाल्ट क्लोराइड एमीन से इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड एमीन लिया था और उससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताया था। इन्होंने सबसे पहले COCl3.6NH3 लिया। ठीक है, COCl कोबाल्ट क्लोराइड एमीन लिया। ठीक है, तो पहले क्या है कि CO 1, 2, 3, 4, 5, 6 CO हमारे 6NH3 से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले NH3 लिख दो। NH3 ऐसे 6NH3 हो गया। अब 3Cl बचा है, तो उस 3Cl को यहाँ ऐसे डैश लाइन करके और यहाँ लिख दो। ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह इन्होंने COCl3.5NH3 लिया। ठीक है, कितना NH3 लिया? 5NH3। ठीक है, तो उसमें क्या करो, CO 1, 2, 3, 4, 5 पहले NH3 लिख दो, मतलब 5NH3 लिखो। ये हमारा NH3 5NH3 हो गया। अब Cl की बारी, यहाँ पर एक Cl, अब एक दो, एक यहाँ पर Cl और एक यहाँ पर Cl हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे कि COCl3.4NH3 लिया। ठीक है, तो इसी तरह CO यहाँ पे पहले 4NH3 लिख दो। NH3 और NH3 फिर कितना Cl है? 3Cl, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और हमारा जो नेक्स्ट Cl रहेगा वो हमारा कहाँ रहेगा? यहाँ पे। ठीक है, और इसी कंपाउंड का इन्हें दो कलर मिला। ठीक है, एक तो ये जब हमारा दोनों Cl साथ में रहेगा, सिस रहेगा, तो एक कलर हमें मिलेगा। और जब हमारा ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पर CO है, ऐसे 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 यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर NH3 लग दीजिए, यहाँ पर NH3। ये यहाँ पे और यहाँ पे ये ट्रांस भी हो सकता है, इससे अलग कलर मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। दो तरह का स्टीरियोआइसोमेरिज्म होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक सिस ट्रांस। सिस क्या होता है? जब दोनों सेम साइड हो। ट्रांस क्या होता है? जब दोनों अलग अलग हो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वो दो तरह का हो सकता है, सिस या ट्रांस। और दूसरा स्टीरियोआइसोमेरिज्म कौन सा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो होता है जो कि नॉट सुपर इम्पॉसिबल हो और जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। ठीक है, अब जो हमारा इनका थर्ड सक्सेस था, ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताए थे। ठीक है, इन्होंने थ्योरेटिकल कैलकुलेट किए थे पॉसिबल आइसोमर कॉम्प्लेक्स के और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किए थे और दोनों इक्वल आए थे। ठीक है, जैसे कि जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसी था, ज्योमेट्री के लिए सेकेंडरी वैलेंसी इन्होंने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कैलकुलेट किया था। तो इन्होंने क्या किया कि थ्योरेटिकल पॉसिबल आइसोमर किसी भी कॉम्प्लेक्स का लिया, कैलकुलेट किया, और ज्योमेट्रिकल, और दोनों इक्वल आया। जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री के लिए सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स था। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्री देखा, तो दो तरह का आया, एक आया टेट्राहेड्रल, एक आया टेट्राहेड्रल, और दूसरा हमारा आया था स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो ज्योमेट्री आया, टेट्राहेड्रल
एन स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और कॉर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 3 ज्योमेट्री आया, एक हमारा ऑक्टाहेड्रल, दूसरा हेक्सागोनल, तीसरा ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या कैसे बताया था, जैसे देखिए COCl3.6NH3 है, तो हम अभी आपको बताए थे कि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगा, तो 6NH3 है तो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी 6 है इसमें। अब आपको हर जगह 6 मिलेगा, इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है 6। अब नेक्स्ट COCl3.5NH3, तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, अभी बहुत सारा लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। 4NH3 COCl3.3NH3 COCl3.2NH3 COCl3.3 1NH3, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो सही ज्योमेट्री के लिए सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होता है और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितना है 5NH3 और 1Cl, तो 6 यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितना है 4NH3 2C, मतलब यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे 3NH3 और 3Cl, यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे 2NH3 है और 3Cl है, मतलब यहाँ पर 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 5, मतलब ये कंपाउंड नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि हमें सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स रखना है ना। इसी तरह यहाँ पे 1NH3 3Cl, पूरा तो 4 ही हो रहा है ना, तो हमें चाहिए 6। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है और हमें चाहिए 6, तो ये दोनों मिला के बस 4 ही हो रहा है ना, हमें चाहिए 6, लेकिन 6 तो आ नहीं रहा है, मतलब ये कंपाउंड भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी देखेंगे। थैंक यू।